सो गाइस, अपन जो आज स्ट्रेटेजी देख रहे हैं, बेसिकली बैंक निफ्टी में मैं आपको बता रहा हूँ करके, बहुत सारे लोग इंट्राडे नहीं कर पाते, दे आर नॉट सुटेबल फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। सो ऑफकोर्स हम यहाँ पे एक स्विंग ट्रेडिंग सेटअप देख रहे हैं, कैसे हम स्विंग ट्रेडिंग सेटअप से एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं इंडिसीज में, मे बी इट्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, एनी वन। सो मैं बेसिकली इसमें बैंक निफ्टी में आपको डिप्लॉय करके बता रहा हूँ, मैं पूरी स्ट्रेटेजी समझाऊंगा अच्छे से, तो बने रहिए एंड ऑफ द वीडियो तक। तो गाइस, सबसे पहले हमें जो टाइम फ्रेम लेना है ना, इसमें लेना है 30 मिनट्स का, राइट। 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज इट्स नॉट ए इंट्राडे स्ट्रेटेजी, हम यहाँ पे पूरे वीक को लेकर चल रहे हैं, राइट। हम मंडे के दिन एंटर करेंगे एंड हम एक्सपायरी डे के दिन, थर्सडे के दिन निकल जाएंगे ट्रेड से, वाचे जो भी हमें मिलेगा प्रॉफिट और लॉस वो लेके, राइट। अब सबसे पहले गाइज, मैं आपको एक कंसेप्ट समझाना चाहूंगा जो कि है सीपीआर बेस पे। आई होप अगर आप ट्रेडिंग करते हैं बहुत टाइम से तो आपको इस टूल के बारे में पता होगा, सीपीआर के बारे में। तो सीपीआर बेसिकली है क्या गाइज, सीपीआर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री लाइंस। ये बेसिकली एक क्या है, प्रीवियस वीक के, अगर मैं यहाँ पे वीकली देख रहा हूँ, प्रीवियस वीक के डे लो और क्लोज को तीनों का एवरेज करके यहाँ पे हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देता है। तो सीपीआर इज बेसिकली अ सपोर्ट एज वेल एज रेजिस्टेंस। अब कैसे दोनों के साथ देखो, अगर कैंडल्स इस सीपीआर के ऊपर ट्रेड कर रही है ना, फर्स्ट 30 मिनट्स की कैंडल लेके चल रहा हूँ मैं, 30 मिनट्स की कैंडल अगर इस सीपीआर के ऊपर ट्रेड कर रही है, सो इट्स मीन कि ये जो सीपीआर है ना, ये एक्ट एज ए ग्रेट सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट है। कैसे देखो, ये सीपीआर है, 30 मिनट की कैंडल ऊपर इस पे ट्रेड कर रही है, तो मार्केट को इस कैंडल को ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल है, राइट। मार्केट अगर इसके ऊपर है, कैंडल्स ट्रेड कर रही है सीपीआर के ऊपर, तो बहुत सारे सेलर्स चाहिए सीपीआर को ब्रेक करने के लिए। लेकिन अगर सेलर्स आ जाते हैं, सीपीआर में ब्रेक हो जाता है ना, तो इसका मतलब मार्केट यहाँ से बियरिश सेंटीमेंट आ चुके हैं, बियर्स मार्केट में एंटर कर चुके हैं, जो बिग प्लेयर होते हैं ना वो आ चुके हैं बेसिकली। और उस केस में यहाँ पे जो यहाँ पहले सपोर्ट एक्ट कर रहा था यहाँ पे सीपीआर, वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने लग जाएगा। लाइक ये सीपीआर है, मार्केट ने ब्रेक करके कैंडल नीचे क्लोजिंग कर रही है, 30 मिनट्स की कैंडल नीचे क्लोज कर रही है, तो अभी यहाँ पे सीपीआर एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, राइट। तो ये कंसेप्ट के ऊपर हमारी एक स्ट्रेटेजी है, तो मैं आपको आप स्ट्रेटेजी ले चलता हूँ बेसिकली। सो गाइस देखो, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, पहली बार आप सीपीआर के बारे में जानते हो, तो ये आपको ब्लू लाइन दिख रही है, वेट। सो गाइस, वो ब्लू लाइन दिख रही है, ये है सीपीआर लाइन। तीन मैंने बताया, तीन लाइन होती है सीपीआर, ये प्रीवियस वीक के डे, प्रीवियस लो, प्रीवियस वीक और क्लोजिंग प्राइस के एवरेज बताता है, जो हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस देता है। ये जो आपको ग्रीन लाइन दिख रही है ना, ये रेजिस्टेंस है अलग अलग, R1 है हो गया, ये R2 हो गया और सो ऑन। और सिमिलरली ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है, ये S1 है। इनका कोई यूज नहीं है बेसिकली, क्योंकि ये मेरी टोटल स्ट्रेटेजी है, ये सीपीआर के ऊपर बेस है। सो आप फोकस कीजिए थ्री लाइन्स के ऊपर। और एक बेसिक रूल और है सीपीआर का गाइस, ये आप थोड़ा आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जब सीपीआर वाइड होता है ना, देखो या तो सीपीआर की थ्री लाइंस क्या होगी, एकदम चिपकी भी होगी, एकदम नैरो होगी। इस केस में क्या होता है, सीपीआर एक ट्रेंडिंग मूव हम एक्सपेक्ट करते हैं पूरी वीक में, राइट। और अगर सीपीआर वाइड है, जैसे बहुत ज्यादा लेंथ है तीनों लाइंस के बीच में, तो यहां पे हम साइडवे मार्केट को एक्सपेक्ट करते हैं पूरी वीक में, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब मैं स्ट्रेटेजी आपको बताता हूं। देखो ये ब्लू लाइन दिख रही है, इतनी तीन सीपीआर लाइन है, 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, बैंक निफ्टी मैंने इंडेसिस लिया है, राइट। अभी इतनी सी कैंडल है क्योंकि ये इस वीक का है, आज मंडे के दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये मंडे के दिन ट्रेड हो रहा है, राइट। सीपीआर के नीचे ट्रेड हो रहा था, मंडे के दिन तो नहीं कर सकते, मैं पूरा वीक चाहिए स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करने के लिए, तो मैं पूरा वीक लेता हूँ, प्रीवियस वीक लेके चलता हूँ। लाइक ये पूरा प्रीवियस वीक है, देखो यहां से लेके यहां तक ये पूरा वीक है, राइट। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, ये फर्स्ट 30 मिनट्स की कैंडल है ग्रीन कैंडल, थोड़ा और जूम करके बताता हूँ मैं आपको, दिख नहीं रहा होगा। देखो ये मंडे की कैंडल है, राइट, ये आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है, ये देखो, ये मंडे की कैंडल ने क्लोजिंग इस सीपीआर के नीचे दिया, इसका मतलब है कि ये सीपीआर कैन एक्ट एज ए रेजिस्टेंस बिकॉज कैंडल इसके नीचे ट्रेड हो रही है। तो हम अपनी स्ट्रेटेजी को मान के चलेंगे कि हमारे लिए यहाँ पे हमें बियरिश ट्रेड देखना है, बिकॉज कैंडल्स आर ट्रेडिंग बिलो दिस सीपीआर जोन, सो वी आर एक्सपेक्टिंग एनी बियरिश सेंटिमेंट्स, बियरिश ट्रेड हम लेने की सोच रहे हैं। बियरिश ट्रेड कब लेंगे, व्हेन एवर द लो ऑफ दिस फर्स्ट 30 मिनट्स कैंडल का ब्रेक होगा। लाइक ये लो है और ये इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ट्रेड में एंटर लूंगा, तो मैं क्या करूंगा, फ्यूचर बेचूंगा या पुट ऑप्शन बेचूंगा, नहीं। मैं बेसिकली क्या करता हूँ, सेफ फ्रेंड्स के लिए क्या करता हूँ, इस सीबीआर के ऊपर का जो भी कॉल आउट ऑफ द मनी का कॉल प्राइस होता है ना, उसको मैं सेल कर देता हूँ, राइट। समझ में आया क्या कर रहा हूँ, देखो ये फर्स्ट 30 मिनट्स के कैंडल का लो ब्रेक हुआ, ओके, कैंडल्स आर बिलो द सीपीआर लाइन, सो इसका मतलब दिस सीपीआर कैन एक्ट एज ए रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे बियरी मार्केट हो गया एंड लो ऑफ द फर्स्ट 30 मिनट्स कैंडल हैज बीन ब्रोकन बाय द कैंडल्स एंड कैंडल्स आर बिलो द सीपीआर। सो डबल कंफर्मेशन है मेरे पास कि बियरी ट्रेड है। सो मैं बेसिकली क्या करूँगा, सीपीआर के ऊपर का जो कॉल ऑप्शन होगा ना, उसको मैं सेल कर दूंगा। कॉल ऑप्शन सेल करने का मतलब है मेरा बियरिश है, और एज यू नो कि ये इंट्राडे स्ट्रेटेजी तो है नहीं, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं स्विंग ट्रेड लेके चल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे, क्योंकि मेरी पोजिशन ओवरनाइट भी होल्ड रहेगी, इसलिए मैं यहाँ पे हेजिंग भी लगा के चलूंगा। तो मैं क्या करूंगा, इस सीपीआर के ऊपर का एक कॉल मैं
सेल कर दूंगा और उसके 300 पॉइंट ऊपर एक मैं कॉल को बाई कर लूंगा एज अ हेजिंग पर्पस, कि अगर कल को सडन न्यूज के कारण मार्केट रिवर्स हो जाता है तो मुझे ज्यादा लॉस ना हो. सो फॉर अ सेफ हैंड मैं यहाँ पे हेजिंग लेके चलूंगा. एंड यू कैन सी इन द एंटायर वीक वी गेट अ होल ट्रेड इज बेयरिश और हमने अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट अर्न किया. आई होप आपको समझ में आया हो. चलो मैं एक और एग्जाम्पल लेके बताता हूँ. लाइक देखिए ये एक और एग्जाम्पल है. यहाँ पे देखो ये सीपीआर है, ठीक है, ये फर्स्ट 30 मिनट्स की कैंडल है. सीपीआर के ऊपर ट्रेड हो रही है तो हम यहाँ पे क्या बुलिश है यहाँ पे. एंड अकॉर्डिंग टू अवर सेटअप यहाँ पे सीपीआर कैन एक्ट एज अ सपोर्ट, तो हम यहाँ पे ये बुलिश ट्रेड देखने की सोचेंगे. हम यहाँ पे बुलिश हैं. बुलिश ट्रेड में कब लूंगा, वेन एवर द लो. देखो बुलिश ट्रेड में कब लूंगा, वेन एवर द हाई ऑफ दिस कैंडल हैज बिन ब्रोकन. फर्स्ट 30 मिनट्स की कैंडल का हाई ब्रेक होगा और यू कैन सी ऑन द नेक्स्ट कैंडल इसका हाई ब्रेक हो गया. छोटी सी पिन बार कैंडल है लेकिन हमारा इसने हाई ब्रेक कर दिया, तो मेरा यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, एंटर हो जाएगा. और मैं क्या लेके चलूंगा यहाँ पे, इस सीपीआर के जो जस्ट नीचे है ना, सीपीआर के जस्ट नीचे का पुट ऑप्शन को सेल कर दूंगा और एज ए हेजिंग पर्पज इसके नीचे 300 पॉइंट को मैं बाई कर लूंगा, ताकि मार्केट रिवर्स हुआ तो मैं यहाँ पे लॉस से बच सकूँ. एंड एज यू कैन सी देखो ये वाला जरूर नीचे आया लेकिन ये फ्राइडे का दिन है, राइट. थर्सडे का दिन यहीं पे हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक दिन छुट्टी था, मे बी इस ड्यू टू होली, मार्च का ये होली था तो एक दिन का छुट्टी था. तो बेसिकली यहाँ पे थर्सडे को देखो तो इसके ऊपर क्लोज हुआ है, तो बेसिकली यहाँ पे मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट किया. अब कैसे प्रॉफिट किया गाइज, सर हमने इसके ऊपर लिया फिर भी मार्केट इसके नीचे क्लोज हुआ तो भी हम प्रॉफिट में कैसे, देखो ये ऑप्शन है. ऑप्शन सेलिंग क्या होती है, ओटीएम में सेल करने का फायदा क्या होता है, वो आपको एक मेरी अलग लाइव क्लास अलग क्लास में आपको जानने को मिलेगा. लेकिन हमें इसमें प्रॉफिट हुआ, राइट. अब कैसे हुआ, आपको ऑप्शन की नॉलेज होगी तो आपको पता लग जाएगा, अदरवाइज आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख के भी आप समझ सकते हो. सो इन दिस वीक ऑल्सो वी गेट अ गुड प्रॉफिट, राइट. मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे, बेसिकली मैं सीपीआर के बेस पे ट्रेड कर रहा हूँ, अपनी स्विंग ट्रेड सेटअप कर रहा हूँ. देखो एक और ट्रेड लेके देखते हैं. देखो फर्स्ट 30 मिनट्स की कैंडल ये ग्रीन कैंडल है लेकिन इस ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग क्या यहाँ पे सीपीआर के अंदर ही हुआ है. देखो ये फर्स्ट लाइन है ना सीपीआर के अंदर हुआ है, तो वी हैव टू वेट फॉर द मोर कंफर्मेशन कि यहाँ पे मार्केट कहाँ है. देखो सीपीआर के अंदर क्लोज हुआ, अगर इसके नीचे क्लोज होता तो मेरा बियरी सेंटीमेंट हो जाता है, दिस सीपीआर के नेक्स्ट जस्ट सब रेजिस्टेंस. बट यहाँ पे सीपीआर के अंदर क्लोज हुआ है फर्स्ट 30 मिनट्स के अंदर और मैं थोड़ा वेट करूंगा. एज यू कैन सी कि दिस ग्रीन कैंडल ने अच्छी खासी क्लोजिंग दे दी, यहाँ पे सीपीआर के ऊपर दे दी ना. देखो इस सीपीआर के ऊपर क्लोजिंग दे दी यहाँ पे और इसका जब हाई टूटेगा, जब हाई ब्रेक होगा तब मैं मार्केट में बुलिश ट्रेड लूंगा. ओके ओके, तो यहाँ पे क्या बुलिश ट्रेड लूंगा, ये कैंडल्स का हाई ब्रेक हुआ तो मैं सीपीआर के जस्ट नीचे वाला कॉल को सेल कर दूंगा एंड इसके 300 पॉइंट नीचे को बाय कर लूंगा. एज यू कैन सी यहाँ पे छोटा सा रिट्रेसमेंट आया एंड यहाँ से फिर मार्केट ऊपर चला गया. तो यू कैन सी यहाँ इस वीक भी हमने प्रॉफिट बुक किया. क्यों, बिकॉज अगर सीपीआर इज एक्टिंग एज ए ग्रेट सपोर्ट. यहाँ पे देखो यहाँ पे सीपीआर ने कितना अच्छा सपोर्ट दिया, इस बड़ी रेड कैंडल के बाद भी मार्केट सीपीआर ने सपोर्ट देके मार्केट को बुलिश कर दिया. सो लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल ताकि आप और अच्छे समझ में आए. देखो ये भी बहुत ट्रेंडिंग डे है. यू कैन सी 30 मिनट्स की कैंडल सीपीआर के नीचे क्लोज हुई है, इसका जब लो टूटेगा एज यू कैन सी सीपीआर के एक्ट एज ए ग्रेट सपोर्ट हियर, सॉरी ग्रेट रेजिस्टेंस हियर, और इसका लो भी टूट है तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर के कॉल्स को बेच दूंगा और हेजिंग हेज करके यहाँ पे पूरे एंटायर वीक हमने अच्छा प्रॉफिट किया. सो बैक टू बैक 4 वीक हमने प्रॉफिट किया. लाइक लास्ट पूरा फरवरी, यू कैन सी फरवरी कितना वोलेटाइल मार्केट था, राइट. बहुत सारे जो इंट्राडे ट्रेडर हैं उन्होंने अच्छा खासा ड्रॉडाउन में है, बट विद दिस स्विंग स्ट्रेटेजी हमने लास्ट मंथ में अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया. सो दिस इज माई सीपीआर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लगा, और कुछ आपको मॉडिफाई करना है स्ट्रेटेजी में तो भी आप मुझे बताएगा कि मैं इसमें कैसे इस स्ट्रेटेजी को और मॉडिफाई कर सकता हूँ. सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए.